हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन रियलमी X7 मैक्स। रियलमी X7 मैक्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे आप विद वॉइस के, अपनी वॉइस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या फिर सिस्टम के साउंड के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो कैसे कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन बार में। जैसे नोटिफिकेशन बार में जाते हैं, यहाँ पर एक बार और स्वाइप कर लेना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं आपकी। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट आपका दूसरा जो है सेटिंग का है, और यहाँ से आपको इसे कट करने का है। तो अभी सेटिंग पर चलते हैं और सेटिंग में आपको कुछ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप सेटिंग पर प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, अभी मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाते हैं। रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, तो ये मैंने इनेबल करके रखा है ऑलरेडी, और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इसे भी आपको इनेबल कर लेना है अगर आपको अपनी माइक्रोफोन की साउंड को रिकॉर्ड करना है, जैसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन भी इनेबल कर लेना है। आपको मोर सेटिंग पर जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से आपको कस्टम कर सकते हैं, इसे लो या हाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिलता है शो स्क्रीन टच, इसे अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो आपकी जहाँ भी आप टच करते हैं वहाँ से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टच होता जाता है, तो इसे भी आप इनेबल करके रखें। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है विद वॉइस की। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अब मैं पॉज कर देता हूँ। तो जी ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको कहाँ से देखना है तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुकी है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है विद वॉइस की। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं पॉज, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।